बालाघाट जिले के वारासुनी विधानसभा क्षेत्र के रामपैली बिटली रेत घाट में वर्षों से करोड़ों रुपए की अवैध डंप और परिवहन का कार्य बेखौफ चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर वारासुनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रामक दिखाई दिए। जहाँ रेत कारोबार में लगे कई डंपर और ट्रैक्टर फरार हो गए, तो वहीं मौके पर हाईवा जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार चंदन नदी के किनारे रामपैली के पास मोगांव बिटली घाट स्वीकृत नहीं है, बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से यहां रेत डंप करके करोड़ों की रेत चोरी करके नदी को बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी शिकायत और सूचना देने पर क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कराने की दमदारी दिखाई। साथ ही इलाके की पुलिस और माइनिंग अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हैरानी की बात है कि रेत के अवैध कारोबार में रेत माफियाओं के साथ स्थानीय ग्रामीण नेता सरपंच की मिलीभगत होने का भी आरोप लग रहा है। इस अवैध रेत घाट से अन्य रेत घाट की रॉयल्टी पर डंपरों से रेत परिवहन किए जाने का भी मामला उजागर हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? ये डंपर कहाँ का है? सिवनी। सिवनी रेत कहाँ से भर रहे थे आप? अभी तो मोगांव से भर रहे हैं। मोगांव की बिटली है? मोगांव रेत घाट करके पहचान। और रॉयल्टी कहाँ की कटी है आपकी? शिवपुरी। किसके कहने पे आप रेत भर रहे थे? ये सेठ के कहने में भरे। कौन सेठ? क्या नाम है सेठ का? सुनील जायसवाल। ये कहाँ का रहने वाला है? सिवनी। रोज ही लाते हो क्या आप रेत? नहीं, इधर से नहीं ले जाते हम। कहाँ से ले जाते हो? उधर से जाते हैं, लालबारा साइड से। नहीं, यहाँ से आप पहली बार भर रहे? पहली बार आए हैं। नहीं, यहाँ पे बताइए कि आपके पास जो रॉयल्टी है वो कहाँ की है? शिवपुरी की है। नहीं, शिवपुरी का तो आपका डंपर है। आपके पास जो रॉयल्टी है ना मोबाइल में, आप सुनिए तो, आपके पास जो मोबाइल में आप रॉयल्टी दिखा रहे हैं ना, वो वारासिनी के मेहंदीवाड़ा की है। मेहंदीवाड़ा, ये मेहंदीवाड़ा गाँव है, आपको मालूम है? आप जब यहाँ पे आए तो पूछते पूछते आए हुए ना आप। ये कौन सा गाँव है? ये मोहगांव के नाम से जानते हैं। तो मोहगांव है तो मोहगांव बिठली है, ये मोहगांव नहीं है, बिठली है। और बिठली में आप यहाँ डंप भर रहे हैं? आप पूछ के तो आएंगे, किसी ने बताया होगा आपको। तो आप ये बिठली से कैसे रेत भर रहे हैं मेहंदीवाड़ा की, ये बताइए। आपके पास, आपके मोबाइल में तो मेहंदीवाड़ा की रॉयल्टी है। मोहगांव करके रेत घाट चालू है ना, इसे पहचानते हैं। नहीं तो आपको ये बात किसने बताया? आपके मालिक ने बताया कि जिसका रेत है उसने भरा है? किसी ने रोज क्यों भरवा रहा है आपको? ये एक दूसरे से पूछते हुए आ जाते हैं। हाँ, तो रोज के कितने डंपर ले जाते हैं? रोज कितने पर जाते हैं आप? अभी तो फिलहाल ही पहले चक्कर आया था। नहीं, दिन में कितने चक्कर होते हैं? दो ही चक्कर लगते हैं। दो चक्कर रात में, यानी सुबह से रात तक। आप ये बताइए कि आप मेहंदीवाड़ा की, आप रायटी में, आप दूसरे गाँव से मैसे माल जाते, ये चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? रॉयल्टी कटती है ना? रॉयल्टी कट रही है, रॉयल्टी कट रही है। आप ये बताइए कि आप जबलपुर की रायटी में वारासिनी से माल जा सकते हैं क्या? नहीं। फिर मैं सुरेश कुमार कुलस्ते। किस पद पर है? माइनिंग इंस्पेक्टर। आज आप पहुंचे, क्या कार्रवाई करे आपने? आज सुबह क्या है, विधायक महोदय ने सूचना दी है कि यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अवैध रूप से रेत का डंप है जहाँ से भरा जा रहा है, उसकी सूचना पे आए तो मौके पे एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर, एक डंपर और एक पोकलेन मशीन जो सामने खड़ी है, इन पे अपने नियमानुसार अवैध परिवहन का और भंडारण का केस जब्त बना लिया है। अब इनको थाने ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अभी क्या है कि इसके जो चालक है ड्राइवर डंपर का, वो मोबाइल बंद रखा है, तो इसलिए समस्या आ रही है। मिस्त्री बुलवाए हैं, मिस्त्री बुलवा के इसको डायरेक्ट ले। पंचनामों में जो आपने कार्रवाई बनाया, वो नामजद बनाया या फिर अज्ञात बनाया? इसमें जैसे विधायक महोदय और अन्य लोगों ने बताया है कि कोई नरेंद्र राजपूत करवाता है और एक भूपेंद्र सिंह चौहान, उनके नामजद बनाया और ड्राइवर का भी नाम आएगा, भी इनका आ जाएगा। तो जो ये घाट है वो वैध है कि अवैध है? ये अवैध है पूरी तरह से। यहाँ के आप लोगों ने निकाल के डंप किया है, तो गाँव के लोग ही बता पाएंगे। जैसे बता रहे हैं लोगों की सरपंच की संलिप्तता है, सरपंच की संलिप्तता होने के कारण अभी सरपंच का ट्रैक्टर ही शायद बता रहे हैं, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, मुझे जानकारी नहीं है। अब उसका आरसी वगैरह जांच करेंगे तो पता चलेगा कि किसके ट्रैक्टर है, तो और तथ्य सामने आ जाएंगे। सर, अभी तक कितनी रेत चोरी हो चुकी है यहाँ से? अब उसका आकलन करने के बाद ही आपको अब पूरी स्पष्ट। जब बताइए, कोई घाट सेंसर नहीं हो, लगातार 5 सालों से चोरी हो रही है। सर जी, इसकी बहुत बार शिकायत हो गई, बहुत बार अधिकारी आए हैं इनकी जाँच में, इसके बाद में भी ये कार्य चले जा रहा है लगातार चले। इसका कारण क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस बार मैं आया हूँ और भले शाम तक खड़ा रहूंगा, जब तक माइनिंग और पुलिस की टीम नहीं आएगी, पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद चोरी ना हो, क्योंकि जिस जो सब पंजाब से जानकारी बता रहे हैं, ग्रामीण लोग, पिछले 5 साल से लगातार करोड़ों की रेत चोरी हो चुकी है। कौन जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? जो घाट सेंसर ही नहीं है,
5 करोड़ों की चोरी होती है 5 साल से, किसका काम है रोकना? जब माइनिंग राजस्व पुलिस अपना काम ना करे तब हमको आना पड़ा है, हमारा काम है कि रोकना है, पर चूंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, करके हमको आना पड़ा। अभी हमको फोन लगाना पड़ा माइनिंग अधिकारी इंस्पेक्टर अधिकारी को, उसको खुद घूमना चाहिए कहाँ निकल रहा है क्या संज्ञान में। पिछले बार भी माइनिंग अधिकारी आते हैं और सांत्वना दे के चले जाते हैं, कार्रवाई होगी। अभी तो बीच में जबलपुर आयुक्त आए हुए थे, उन्होंने क्या बोलते कार्रवाई की थी, उसके बाद में भी पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा है। ठेकेदार जो है ना बहुत बाहुबली है और उसके संबंध राजनीतिक लोगों से भी है ना, पिछले कई दिनों से 25-30 साल उसकी जड़ें हैं, उसका रेत का और दारू का पिछले 20 साल से ठेका चल रहा है, उनको हटाने में टाइम लगेगी है ना। उसके लिए ग्रामीण लोगों का सर्च लगेगा, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कि अपने गाँव को बचाए। ये नदी है मोगा बिटली की, और मैं बता रहा हूँ स्पष्ट कि यहाँ कोई सेंक्शन नहीं है, तो ये गाँव वालों का काम है कि हमारे क्षेत्र की नदी ना लूटे, हमारे क्षेत्र में रेत बची रहे, रेत बची रहेगी तो नदी रहेगी, जलस्तर नीचे जा रहा है, किसानों का क्षेत्र हमारा, रेत नहीं बढ़ेगी जलस्तर नीचे जाएगा, खेती नहीं हो पाएगी, इनको क्या तो बाहर से आए ठेकेदार पैसे कमाएंगे चले जाएंगे। सर जी जैसे अभी आपने बोले गांव वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर भी गांव के प्रधान का है ऐसा सुनने में आया है, जब गांव का मुखिया ही है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।